गिनती की पुस्तक अध्याय 11। गिनती की पुस्तक अध्याय 11। इसराइलियों का कुड़कुड़ाना और इसका दंड भोगना। फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। निदान यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा और यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। तब लोग मूसा के पास आकर चिल्लाए और मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की, तब वह आग बुझ गई और उस स्थान का नाम तबेरा पड़ा, क्योंकि यहोवा की आग उनमें जल उठी थी। फिर जो मिलीजुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी और इसराइली भी फिर रोने और कहने लगे कि हमें मांस खाने को कौन देगा। हमें वे मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में सेंतमेंत खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी। परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, यहां पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। मन्ना तो धनिये के समान था और उसका रंग रूप मोती का सा था। लोग इधर उधर जाकर उसे बटोरते और चक्की में पीसते वा ओखली में कूटते थे, फिर तसले में पकाते और उसके फुलके बनाते थे, और उनका स्वाद तेल में बने हुए पुए का सा था। और रात को जब छावनी में ओस पड़ती थी तब उसके साथ मन्ना भी गिरता था। और मूसा ने सब घरानों के आदमियों को अपने अपने डेरे के द्वार पर रोते सुना और यहोवा का कोप अत्यंत भड़का और मूसा को भी बुरा मालूम हुआ। तब मूसा ने यहोवा से कहा, तू अपने दास से यह बुरा व्यवहार क्यों करता है और क्या कारण है कि मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह नहीं पाया कि तूने इन सब लोगों का भार मुझ पर डाला है? क्या ये सब लोग मेरे ही कोख में पड़े थे? क्या मैंने उनको उत्पन्न किया? जो तू मुझसे कहता है कि जैसे पिता दूध पीते बालक को अपनी गोद में उठाए फिरता है, वैसे ही मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस देश में ले जाओ जिसके देने की शपथ तूने उनके पूर्वजों से खाई है। मुझे इतना मांस कहां से मिले कि इन सब लोगों को दू? ये तो यह कहकर मेरे पास रो रहे हैं कि तू हमें मांस खाने को दे। मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता, क्योंकि यह मेरी शक्ति के बाहर है, और जो तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो कि तू मेरे प्राण एकदम ले ले जिससे मैं अपनी दुर्दशा न देखने पाऊं। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिय और उनके सरदार है, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ यहां खड़े हो। तब मैं उतरकर तुझसे वहां बातें करूंगा, और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समाऊंगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे और तुझे उसको अकेले उठाना न पड़ेगा। और लोगों से कह, कल के लिए अपने आप को पवित्र करो, तब तुम्हें मांस खाने को मिलेगा, क्योंकि तुम यहोवा के सुनते हुए यह कहकर रो रहे हो कि हम मांस खाने को कौन देगा। हमें मांस खाने को कौन देगा? हम मिस्र ही में भले थे। सो यहोवा तुमको मांस खाने को देगा और तुम खाना। फिर तुम एक दिन व दो दिन व पांच व दस व 20 दिन ही नहीं, परंतु महीने भर उसे खाते रहोगे, जब तक वह तुम्हारे नथनों से निकलने न लगे और तुमको उससे घृणा न हो जाए, क्योंकि तुम लोगों ने यहोवा को जो तुम्हारे मध्य में है तुच्छ जाना है, और उसके सामने यह कहकर रोए हो कि हम मिस्र से क्यों निकल आए। फिर मूसा ने कहा, जिन लोगों के बीच में मैं हूं उनमें से 602 प्यादे ही है, और तूने कहा है कि मैं उन्हें इतना मांस दूंगा कि वे महीने भर उसे खाते ही रहेंगे। क्या
वे सब भेड़ बकरी गाय बैल उनके लिए मारे जाए कि उनको मांस मिले, वा क्या समुद्र की सब मछलियां उनके लिए इकट्ठी की जाए कि उनको मांस मिले? यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वह पूरा होता है कि नहीं। तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की बातें कह सुनाई, और उनके पुरनियों में से 70 पुरुष इकट्ठे करके तंबू के चारों ओर खड़े किए। तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें थी उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में संवाद दिया, और जब वह आत्मा उनमें आई तब वे नबुवत करने लगे, परंतु फिर और कभी न की। परंतु दो मनुष्य छावनी में रह गए थे, जिनमें से एक का नाम एलदाद और दूसरे का मेदाद था। उनमें भी आत्माएं, ये भी उन्हीं में से थे जिनका नाम लिख लिए गए थे, पर तंबू के पास न गए थे, और वे छावनी ही में नबुवत करने लगे। तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को बतलाया कि एलदाद और मेदाद छावनी में नबुवत कर रहे हैं। तब नून का पुत्र यहोशू, जो मूसा का टहलुआ और उसके चुने हुए वीरों में से था, उसने मूसा से कहा, हे मेरे स्वामी मूसा, उनको रोक दे। मूसा ने उससे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते और यहोवा अपना आत्मा उन सभों में संवाद देते। तब फिर मूसा इस्राएल के पुरनियों समेत छावनी में चला गया। तब यहोवा की ओर से एक बड़ी आंधी आई, और वह समुद्र से बटेरे उड़ा के छावनी पर और उसके चारों ओर इतनी ले आए कि वे इधर उधर एक दिन के मार्ग तक भूमि पर दो हाथ के लगभग ऊंचे तक छा गए, और लोगों ने उठकर उस दिन भर और रात भर और दूसरे दिन भी दिन भर बटोरों को बटोरते रहे। जिसने कम से कम बटोरा उसने 10 होमेर बटोरा, और उन्होंने उन्हें छावनी के चारों ओर फैला दिया। मांस उनके मुंह ही में था और वे उसे खाने न पाए थे कि यहोवा का कोप उन पर भड़क उठा, और उसने उनको बहुत बड़ी मार से मारा, और उस स्थान का नाम किबरोथत्तावा पड़ा, क्योंकि जिन लोगों ने कामुकता की थी उनको वहां मिट्टी दी गई। फिर इस्राएली किबरोथत्तावा से प्रस्थान करके हसेरोत में पहुंचे और वहीं रहे।